ओके सो गाइस आज अपन खेलने वाले हैं मिशन हाइड एंड सीक। गाइस इस वाले हाइड एंड सीक में हमें एक स्पेसिफिक मिशन करना पड़ेगा और गाइस उस मिशन को डिफिकल्ट बनाने के लिए हमारे पास ये आंटी है जिसका नाम मार्टी करके लिखा हुआ है। लेकिन गाइस ये वो आइसक्रीम वाले अंकल नहीं थे हमारे, उसी की कोई तो रिश्तेदार लग रही है भाई। लेकिन वो आइसक्रीम वाले चाचा किधर गए? हाँ ये तो सोचने की बात है, लेकिन तू चिंता ना कर, चौब तेरी और उसकी मुलाकात जल्द होगी। कब बोला कि मुझे उससे मिलना है? वो तू बोलना, बोल तेरी मुलाकात हो जाएगी चौब। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मिशन वाले हाइड एंड सीक में करना क्या होगा। तो ये हमारे पास एक लग्जरी मैंशन है और गाइस यहाँ पे कहीं पे इस आइसक्रीम वाली आंटी की एक आइसक्रीम की शॉप अंदर छुपी होगी जो कि कुछ ऐसी दिखती होगी। लेकिन गाइस जब एक बार ये इस मैंशन के अंदर छुप जाएगी तो हमें उस आइसक्रीम को जाके खोजना है, उसके बाद उस आइसक्रीम को चुरा कर वहाँ से भागना है। लेकिन गाइस उस बीच में अगर अपने को इनमें से कोई भी बंदा ढूंढ लेता है तो अपन आउट हो जाएंगे। तो गाइस हमें इन सबसे छुप छुप कर वो काम करना है, साफ शब्दों में बोलो आइसक्रीम चोरी करके भागना है। हाँ मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन गाइस चलो अभी फिलहाल अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक काम करते हैं भाई, अब ये सारे के सारे बंदे आ रहे हैं अंदर, मैं 10 तक गिनता हूँ फिर अपना ये चैलेंज स्टार्ट होगा। 1 2 10। ओ भाई एक मिनट, तो अपने को सीधा बाहर ही निकाल दिया। पता चला कोई घर से बेघर करता है तो कैसा लगता है? मुझे हर दिन ऐसा ही लगता है भाई। मैं तो नहीं करता तेरे को, आई एम टॉकिंग अबाउट निर्मा। अच्छा ठीक है गाइस, लगता है यही एंट्रेंस है, अपने को सीधा यही से अंदर जाना है। ओ भाई आ जाओ मेरे पीछे। ओके चलो, वैसे भी गर्मी का समय है, आइसक्रीम खाने का तो मन होता ही है। वही तो, आइसक्रीम खाएंगे। ठीक है तुम्हारा जोश मेरे को पसंद आ रहा है, अभी अंदर चलते हैं। ओ भाई गाइस ये अजीब सी ही टनल है। एक मिनट, ओ भाई दो रास्ता है। ओके ये तो गैरेज वाला है, मतलब गाइस अपने को उधर से जाना है। अगर तुम आउट हो गए तो चिंता मत करना, मैं आइसक्रीम चुरा के खा के भाग जाऊंगा, तेरे से और कोई उम्मीद है भी नहीं। लेकिन गाइस ये जो सुरंग है ना काफी पतली दुबली सी लग रही है। अरे यार तुम क्या बोलते हो, इसको खाए पिला के मोटा करे क्या? अरे नहीं भाई वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अभी आगे बढ़ते हैं। ओ भाई गाइस जस्ट बच गए, अभी अपन आउट हो रहे थे। भाई ये बंदा जस्ट बाजू पे खड़ा है, कोई आगे नहीं जाएगा ठीक है। ऐसा कौन मिल गया भाई? अरिन भाई सुनो। अरे रुक जा भाई, आगे हगी खड़ा है। गाइस मेरे को लग रहा है कि अगर अपन ऊपर से जाए ना तो ठीक रहेगा। भाई तुम सब इधर आ जाओ और हगी भाई देख लेगा तो प्रॉब्लम होगी, जल्दी चुपचाप इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आना ठीक है। तुम आगे बढ़ो हम आते हैं। गाइस ये लोग बस मेरे को फंसा ना दे। ओ भाई, ओ गाइस यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है। ओ भाई साहब, गाइस हमने तगड़ा दिमाग लगाया, आप देख रहे हो अगर अपन सामने से आते तो अभी तक फंस के रहते, बट अपन यहाँ से आ रहे तो सब सही है। गाइस एक बार आइसक्रीम मिल जाए भाई चुरा के भाग जाएंगे। ओके वेट, भाई ग्रैनी खड़ी है। गाइस ग्रैनी को चकमा देना थोड़ा कठिन है क्योंकि देखो वैसे तो एज होती है लोगों की तो उनका कान थोड़े कम काम करते, लेकिन ग्रैनी की एज हो रही है लेकिन उसके बाद भी उसके कान बहुत तेज काम करते हैं, तो इस चीज का फायदा उठाया जाए। गाइस गाइस ये हमने लगा दिया एक बड़ा सा स्पीकर जो कि सीधा ग्रैनी के कान पे जाएगा, आप समझ रहे हो, मतलब भाई फटने वाला है ये स्पीकर काफी बड़ा। और आपको पता है इसे अपन क्या बजाने वाले हैं? मुझे पता है। हाँ क्या बजाएंगे? मेरा गाना। हाँ सही कहा गाइस, अपन जोर से चौप का गाना बजाने वाले हैं, वो भी कौन सा पता है, निर्मा। ओ रे निर्मा, लेट्स गो गाइस बजाते हैं, भाई ग्रैनी का सर फट जाएगा। निर्मा ओ रे निर्मा, वॉशिंग पाउडर नहीं है तू, कलर से तू है वाइट और फ्यूचर हमारा है ब्राइट। अरे भाई बस बस बस, ग्रैनी बेहोश हो जाएगी अभी। गाइस अपना काम हो गया, अभी अपन जाते हैं ऊपर। भाई धीरे 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 ऊपर जाएंगे, कोई है तो नहीं ना इधर? ओके 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 गाइस कोई नहीं है, लेट्स गो भाई लेट्स गो, कोई दिक्कत? ओ भाई बहुत बड़ी दिक्कत है। गाइस अपने को बहुत ज्यादा चलाकी से करना पड़ेगा जो भी करना है। भाई वो यही देख रही है, मेरे को सबसे ज्यादा डर अभी उसी से लग रहा है क्योंकि सबसे पहली बात गाइस वो अभी नई नई आई है ये वाले अपने हगी वाले ग्रुप में। और गाइस आपको एक बात बता दूं, अभी तो वो हमारे आइसक्रीम वाले चाचा जी नहीं आए, वो बहुत खड़ूस और बहुत गुस्से वाले हैं। गाइस देखो अगर वो वहाँ पे गार्ड कर रही है इसका मतलब या तो आइसक्रीम की जो ट्रॉली है वो वहाँ पर है या फिर कहीं और है गाइस, लेकिन ज्यादा चांस है कि वहाँ पर ही होगी। तो एक काम करते हैं, आप लोग मेरी बात सुन। अरे आप बोलो, मैं अपना ब्लूटूथ ऑन ही रखा हूं और वो देखो सिलेंडर वाले चाचा मेरे सामने ही है, एक आध आग लगा के सिलेंडर फोड़ू क्या? अरे भाई कुछ नहीं फोड़ना है, मेरी बात सुन ठीक है, और फोन मत कट करियो, ब्लूटूथ ऑन रख ठीक है। अरे यार चिंता मत करो, पूरी 1% चार्जिंग है, 1% है। अरे यार देख मेरी बात सुन, प्लान भी एक्टिवेट करने का टाइम आ गया, तू हेलीकॉप्टर तक पहुंच। अरे यार तुम आलोक पे शक कर रहे हो, तुम गलत जगह जा रहे हो यार। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, देखते हैं भाई तू कैसे करता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ओके 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 गाइस देखते हैं आलोक। ओके गाइस आलोक पहुंच गए। अरे बाप रे ये यहीं पर है क्या? पहले बताना चाहिए
चाहिए था। अरे देख डर मत और हल्ला मत कर। अरे यार लेकिन पहले बताना चाहिए था ना। अरे तू जितना चिल्लाएगा उतना आउट होगा। अरे लेकिन पहले बताना था ना। अरे अब आगे जा वहाँ से, धीरे से हेलीकॉप्टर पे पहुँच। अरे यार पहले बताना चाहिए था। अरे इसको क्या हो गया भाई, और कितने क्या एक दो साल पहले बताता क्या, मेरे को आज पता चल रहा है, तेरे कैसे पहले बताता। अरे यार लेकिन पहले बताना चाहिए था। भाई आलोक तेरे से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। भाई चौप सुन, मेरे को तेरे से भी उम्मीद नहीं है लेकिन फिर भी सुन ले। हाँ निर्मल। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया बोलो, मैं अपना ब्लूटूथ ऑन रखा हूँ। हाँ तू सुन मेरी बात, कर क्या रहा है अभी तू। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारी आइसक्रीम खोजने में, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अच्छा स्विमिंग पूल में आजकल लोग मेहनत कर रहे हैं क्या, वो भी निर्मा के साथ। अरे तू तुम्हें कैसे दिख रहा है भाई। अरे मैं ऊपर खड़ा, ऊपर से दिख जाता है। अच्छा ठीक है भाई बोलो क्या करना है। देख चौप, अगर तुझे लगता है कि तू अपने सिलेंडर वाले चाचा को थोड़ा बहुत चकमा दे के अंदर घुस सकता है तो अंदर आ। और भाई यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुझे ये जो आइसक्रीम वाली आंटी है ना, इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बस इतनी सी बात, अभी दिखाता हूँ। गाइस अब देखो, अब सब चौप का कमाल। सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन डन। इसके बाद स्टेप टू, सिलेंडर वाले चाचा इधर देखो, ये तो आ रहे हैं, भागो। और ये फिसल के गिर गए। अरे वाह मेरी पार्टी का भाई, मेरी पार्टी का भाई। अरे भाई इतना ज्यादा स्लिपरी होता है क्या, बंदे फिसल फिसल के आगे भाग गए। लेकिन चौप हाँ काबिले तारीफ था तेरा काम। गाइस अब देखो वहाँ पे ग्रैनी है, इनको चकमा देना। अरे वाह इनके तो कान खराब हो गए हैं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इनके काम खराब करने के पीछे भी तेरा ही हाथ है, पता है ना तेरे को। मेरा हाथ नहीं मेरी आवाज है। अरे तुम यही खड़े हो। अरे भाई खड़ा नहीं छुपा हूँ मैं, उधर देख तू पहले। अरे बाप रे गाइस ये तो बहुत डरावनी है भाई। लेकिन अभी देखो तुम चौप का जलवा। हाँ मैं चौप का जलवा देखने का ही वेट कर रहा हूँ। गाइस देखो अभी तो उसने मुझे ना ही देखा है लेकिन अभी देखेगी। अरे अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं सूझ रहा है मास्टर, लगता है हम फंस गए। अरे भाई वाह वाह चौप वाह, इतने दूर तक तू आया। गाइस मतलब जिंदगी में पहली बार मेरे को ना चौप से एक्चुअली में हाई होप्स थी, उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही वो आया सब उम्मीद में पानी फिर गया। और ये ग्रैनी एक्चुअल में बहरी हो गई है क्या। ओ ग्रैनी, ओ ग्रैनी, कान में चिल्ला दूं क्या गाइस। ओ ग्रैनी, ओके लगता है बहरी नहीं है। अरे भाई गाइस ये तो पीछे पड़ गई भाई। नहीं नहीं नहीं, अगर ये मेरे को छू दी तो मैं आउट हो जाऊंगा। गाइस 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 गाइस, कहां जाओ भाई। नहीं बच गया, आउट नहीं होना है। गाइस कैसे भी बस भागना है। लेट्स गो। ओके गाइस ग्रैनी यहाँ नहीं आ सकती। गाइस मेरे पास एक आइडिया, अगर अपने को हेलीकॉप्टर तक पहुँचना है तो क्यों ना अपन यहाँ से जाने की ट्राई करें। एक मिनट, अरे ये चौप, अच्छा चौप नहीं है। मैं बस एक ही हूँ भाई, मेरे जैसे और कोई नहीं है, और कोई हो भी नहीं सकता है तेरे जैसे। गाइस बस थोड़ा सा और है। ओके पहुँच गए, लेट्स गो। लेकिन वेट व्हाट, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता गाइस, प्रॉब्लम हो जाएगी अगर यहाँ पे कोई आइसक्रीम कुछ भी नहीं निकला ना, समझ लो अपना पूरा प्लान फेल हो गया। ये पहली बार थोड़ी हुआ है। हाँ पहली बार तो नहीं हुआ है। ओ गाइस ओके, वहाँ देखो पेनीवाइज के साथ आइस भी है। पेनीवाइज विद आइस, मजा आएगा। लेकिन अभी तक पेनी ने हमें देखा नहीं है। अब देख लिया। वेट, ओ भाई कूद के आ रहा है। नहीं भाई सॉरी पेनी सॉरी। वेट, ओ भाई नहीं। अरे यार ये तो पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, माफ कर दे। नहीं। गाइस यार भाई बहुत गलत हो गया। लेकिन आलोक और चौप मेरी बात सुनो, मैंने देख लिया कि आइसक्रीम ये लोग एक्चुअली में कहाँ छुपाए हैं भाई, टेरिस पे। अरे 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 ओ भाई बच गया। अरे टेरिस पे है क्या गाइस, लगता है चुपके चाप यहाँ से कूदना पड़ेगा। चलो कूदते हैं गाइस, जल्दी से कूदता हूँ, लेट्स गो। अरे यार आउट कर दी मुझे, बाप रे गाइस बहुत दुख की बात है यार, आउट कर दी। अरे मार क्यों रही है, बाप रे गाइस सर फोड़ दिया मेरा, क्या दुश्मनी है भाई। अरे वाह गाइस रास्ता खाली है, चलो ऊपर चलते हैं, लेट गो। गाइस चुपचाप आइसक्रीम चुरा के खाएंगे, लगता है आइसक्रीम खाने में मजा आएगा। अरे भाई जल्दी चलो यार। चौप क्या कर रहे हो। गाइस सबसे पहले आइसक्रीम तो मैं अपनी निर्मा को ही खिलाऊंगा, उसके बाद ही किसी और को। अरे बाप रे मैं खुद ही नहीं खा पाऊंगा अब तो। भाई साहब गाइस बड़े मुश्किल से बचा। ओ भाई तुम्हारा क्या हाल है भाई, कोई तुम लोग पहुंच पाए कि नहीं, आइसक्रीम तक पहुंच गए हो ना ऊपर। मास्टर हम दोनों आउट हो गए हैं। क्या दोनों आउट हो गए। गाइस जिन दो बंदों से मेरे को उम्मीद थी दोनों ही आउट हो गए, और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है भाई, ये देखो नीचे में नाच रहा है भाई, इसकी दिक्कत क्या है। गाइस यहां से भगते हैं, और उसके बाद गाइस अब शिनचैन से उम्मीद है। ये यहां पे क्या कर रहा है भाई, तू बाहर क्या कर रहा है। आपने ही तो कहा था बाहर से देखना, अगर कोई आया तो बताना, तो तू बता क्यों नहीं रहा है। बाहर से कोई आ ही नहीं रहा है। अरे भाई
भाई बाहर का मतलब ये रोड पे क्यों खड़ा हो गया, यहाँ तो कोई आएगा भी नहीं भाई, अंदर चल मेरे साथ। गाइस यार मेरी टीम कितनी बेकार हो गई है, मतलब ये लोग ना आलसी हो गए हैं, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस तो करते नहीं है। और भाई ये हगी वगी वाली टीम देखो इतनी तगड़ी है, हमारे दो तीन बंदे नहीं, अरे नहीं हो भाई साहब। गाइस देखते क्या होता है, क्या होता है, ओ भाई बच गया गाइस, ये तो अपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा लेकिन मेरे को छू नहीं पा रहा है, फिर बच गया। गाइस एक बार और डॉज करते हैं फिर यहाँ से भागूंगा। ओके ओ भाई बच गया लेट्स गो, भागो। गाइस क्या ही बंदा था भाई, बढ़िया बुद्धू बना है। फिलहाल अभी अपन गैराज पे आ गए थे, यहाँ से निकलते। गाइस अभी अपने को आउट करने ही वाला था भाई, बस बचे। अब एक काम करते गाइस, बहुत हो गया, अब ना सीरियस होके जाते हैं सीधा ऊपर। और गाइस अब ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन ही बचा, आपको तो पता है। अगर अपन एक बार हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया ना गाइस, तो फिर हेलीकॉप्टर लेके अपन ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना थोड़ा कठिन है क्योंकि अभी तक वो वहां पे खड़ी ही है भाई आंटी। लेकिन गाइस अब बहुत हो गया, अब अपने को ना कुछ करके जाना ही पड़ेगा। लेट्स गो। गाइस वो आ रही है, क्या वो आ रही है? ओ भाई नहीं भाई, हेलीकॉप्टर ऑन हो जा, हेलीकॉप्टर। वेट भाई, वो मेरे साथ क्यों बैठ गई? गाइस क्या चालू है? अरे भाई क्या, हेलो, मेरे को नहीं हेलो करना। गाइस एक मिनट, ओ भाई एक मिनट। गाइस अपने पास मौका अच्छा है। मास्टर जल्दी से ऊपर जा भाई, कोशिश पूरी है। ओ भाई गाइस फाइनली ऊपर पहुंच गया, आइसक्रीम के रियल क्लोज है। लेट्स, मतलब गाइस आप समझ रहे हो, अपन फाइनली पहुंच गए भाई। अब यहाँ से थोड़ी बहुत आइसक्रीम चुरा के भगते है, लेट्स गो। व्हाट भाई, रोड आइसक्रीम वाला बंदा कहाँ से आ गया? ओ नो भाई, आउट कर दिया। व्हाट शिनचैन भाई, बस अब तेरे से उम्मीद बची, अपन सारे ही आउट हो गए भाई। कुछ भी कर ले भाई, नाक मत डुबाइयो बस। नाक नहीं वो नाम होता है, नाक तो कटती है। हाँ, जो तूने ऑलरेडी मेरी बहुत कटाई है भाई शिनचैन, कैसे भी करियो बस भाई, कैसे भी करके वहाँ से आइसक्रीम चुरा के निकलना। भाई ये रोड्स वाले आइसक्रीम ने मुझे बहुत बुरा आउट किया, मेरे को उसका बदला चाहिए, मतलब चाहिए। तो खुद उठ के बदला लो ना। मैं आउट हो गया हूँ। वो सब छोड़ो, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है गाइस, इतनी सारी बॉल्स की कलेक्शन और सारी बॉल्स बहुत सुंदर है। गाइस अगर आपको भी ये मजा आ रहा है देखने में तो एक लाइक कर दो। फिलहाल अभी तो ऊपर जा एक बार। मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन अर्जुन भाई मेरे पास एक आइडिया है। तेरा ही आइडिया देखना बचा है भाई, तेरा भी आइडिया देख लेते हैं, बता क्या है। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि यहाँ सारी की सारी अंकल आंटी सब कहाँ छुपे हैं। भाई देखो अगर मैं बता दूंगा तो तू डर जाएगा। बता दो, मैं नहीं डरता। भाई वो जो अपना आइसक्रीम का वो है ना, क्या बोलते हैं, फ्रीजर भाई, उसके चारों ओर घिरे हुए है। भाई शिनचैन अब तेरा ना यहाँ पे आके आइसक्रीम चुरा के भागना बहुत मुश्किल है। ये देख, यहाँ पे ये चारों ओर से सारी ओर से घिरे हुए, और यहाँ पे मैं लेटा हूँ, आई मीन मुझ पे उठने की ज्यादा ताकत नहीं बची है भाई, मेरे को गिरे रहने दे। तो अब हम कैसे करें आर्यन भाई? देख मेरे पास एक आइडिया, हेलीकॉप्टर उठा और हेलीकॉप्टर के बाद सीधा उस पे बीच में कूदना। अगर मैं कूद भी गया तो चुरा के भाग नहीं पाऊंगा। देख अभी तक उनको पता चल चुका है कि तू हेलीकॉप्टर से आ रहा है, देखते है क्या करता है तू। लेट्स सी। ओके शिनचैन भाई बस हगना मत। अरे बापरे शिनचैन बेस्ट ऑफ लक। अरे तू क्यों बोला, अब तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं ट्राई कर। अरे यार गाइस ये क्या हुआ भाई, वहाँ का तो नहीं पता पर यहाँ मेरे को मौका मिल गया भागने का। और भाई साहब मैंने बिल्कुल भी सही भागा है। और गाइस देखो अभी मैं यहाँ पे छुपा हूँ, ठीक है, अभी देखता हूँ कि ऊपर में सीन कैसा है, ये बंदे अभी जिंदा है मरे है क्या। ओके हगी बस दिख रहा है, बाकी सारे बेहोश दिख रहे हैं। भाई शिनचैन तूने जो भी किया, ओ भाई गाइस हमारे पास ऑप्शन है। ओके लेट्स गो। ओ भाई गाइस 3-2-1 लेट्स गो। ओके थोड़ी सो लगी, बाकी है गाइस हमारा आइसक्रीम वाला ये जो ट्रे था ये आ गया इधर। ओ भाई फाइनली गाइस राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब आप समझ रहे हो जो हमें चैलेंज मिला था वो हो गया, अब अपन राउंड 2 पे जाएंगे, इन्हें चैलेंज देंगे। ओके तो ये हमारा राउंड 2 है। यहाँ पे ऐसा क्या है भैया, अभी पता चल जाएगा। ऊपर आओ भाई ऊपर आओ, थोड़ा सा अतरंगी टाइप का राउंड है गाइस ये, और क्योंकि इस बार आइसक्रीम वाली आंटी है तो थोड़ा आइसक्रीम से रिलेटेड भी है। लेकिन गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये काफी ज्यादा सीक्रेट जगह है। और गाइस इस जगह के बारे में खास ये है कि ये बहुत ठंडी रहती है। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम के स्टॉल लगे हुए हैं, और गाइस इनके पीछे एक बहुत ही स्पेसिफिक कारण है। और वो कारण क्या है गाइस मैं आपको अभी बताता हूँ। गाइस तो ये जितने भी आइसक्रीम के स्टॉल है ना, इन सब के अंदर हमारे जो हगी वाले ग्रुप है ना भाई वो छुपे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाला खोलता हूँ, 3-2-1 लेट्स गो। हो भाई तो यहाँ से निकला हगी। तो ऐसे ही गाइस जितने भी स्टॉल है इन सब के अंदर एक ना एक विलन छुपा हुआ है। और गाइस हमें थोड़ी कम चांस मिलेगी, और अगर हम अपने 5 चांस के अंदर ये 5
पांचों को खोज लेते हैं तो समझ लेना अपन ये वाला राउंड भी जीत गए और हमें वो आइसक्रीम रखने को मिल जाएगी गाइस। लेकिन अगर अपन नहीं खोल पाते तो हार जाएंगे। तो अभी फिलहाल ये राउंड स्टार्ट करते हैं। भाई हो गया तेरा, रुक जा। तुमने नहीं बुलाया फिर भी हम चले आए। अब मेरे को तुम्हें भी चांस देनी पड़ेगी क्या? अरे ही तो क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे यार गाइस यही तो नहीं हो रहा था ना। चलो ठीक है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहला टर्न कौन जाने वाला है? अरविंद भाई मैं जाता हूँ। भाई लेकिन याद रखना अपने पास सिर्फ और सिर्फ 5 टर्न है, ठीक है? अगर एक भी टर्न मिस होती है समझ लेना अपन हार रहे हैं भाई। ओके मास्टर, अपनी चिंता करो, हम तो सब सही करते हैं। अच्छा बेटे, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ भाई बहुत ही बढ़िया शिनचान, बधाई हो। अगला चौप तू जाएगा? नहीं मैं आलोक के बाद जाऊंगा। अरे यार बड़ा सोच समझ के आइसक्रीम को खोलना पड़ेगा। थोड़ा चेकआउट करता हूँ। नहीं भाई चेक नहीं कर सकता, तो कुछ पता नहीं चलेगा। जब से वीडियो स्टार्ट हुआ आइसक्रीम पे आइसक्रीम देख रहा हूँ। ठूसने का मौका तो दो भाई। ठीक है तेको ठूसने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने को पहले इसको जीतना पड़ेगा भाई, तभी रख सकते हैं अपन। नहीं तो ये लोग वापस ले लेंगे और तेरे को पता ही है पूरा आइसक्रीम का किसका है। अरे हाँ भैया वो अंकल आंटी थोड़े से खतरनाक है। अंकल आंटी नहीं भाई। ठीक है चल आलोक तू खोल कोई भी। अरे यार ठीक है ये वाला खोलता हूँ गाइस बिना सोचे समझे। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ भाई इसके अंदर से तो आइसक्रीम वाले चाचा निकले जिनकी कमर तोड़ दी तूने। अरे वाह बधाई दो बधाई। हाँ भाई कॉन्ग्रेट्स, तूने भी सही किया। अब मैं जाता हूँ। अरे नहीं मैं जाऊंगा भैया। अरे नहीं भाई मैं जाऊंगा गाइस। जैसे अपन ये आइसक्रीम फोड़ते जा रहे हैं ना, वैसे अपनी वो कम होते जा रही है, मतलब रिस्क बढ़ रहा है देखो, क्योंकि अब कम बंदे बचे हैं। भाई मैं खोल रहा हूँ। ओके लेट्स गो। ओ भाई अपना सिलेंडर वाला चाचा बाहर आ चुका है गाइस। अब तो मैं जा सकता हूँ ना मास्टर? नहीं भाई अभी निर्मा जाएगी, तू वो था ना लास्ट में जाएगा। मैं बोला था आलोक के बाद जाऊंगा। अच्छा ठीक है तो तू एक काम कर निर्मा के बाद जा। अरे अत्याचार पे अत्याचार गाइस, एक दिन मैं बदला लूंगा भाई, मेरे साथ इतना अत्याचार ऐसा क्यों? चलो भाई देखते हैं निर्मा कैसे शूट करती है गाइस, और ये कौन सा चूज करने वाली है। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाइस निर्मा ने ये वाला चूज किया, और क्योंकि वो शूट नहीं कर सकती तो मैं उसकी जगह कर रहा हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। अरे भाई ये देखो गाइस पेनी निकला है। पेनी भाई इतने दूर फेंका गया, बाप रे। मतलब अब सारी उम्मीद मुझ पे ही टिकी है क्या? यही मौका तो ना ही आ सोचा था। हाँ भाई देख लास्ट ही चांस है, और हम सब ने अच्छा परफॉर्म किया, इसका मतलब अब अगर तू गलत करता है चौप, ठीक है तू कोई भी चूज कर, अगर वो गलत निकला तो समझ लेना की सारी हार का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। अरे बाप रे गाइस ये तो बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन है। जब इतना प्रेशर आता है तो सबसे पहले तो मैं प्रेशर लूज करता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर निकाल लेता हूँ। अभी ठीक है गाइस, चलो थोड़ा प्रेशर लूज हो गया। अब एक काम करता हूँ, खुले दिमाग से सोचता हूँ। ये वाला खोलो, ये वाला। पक्का था भाई, तू करने क्या गया था? मैं थोड़ा अच्छे से सोचने गया था भैया। अच्छा ठीक है अब तू बोल रहा है तो मैं खोलता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ भाई गाइस एक भी गलत नहीं निकला, इसके अंदर से ये आंटी निकली है, लेकिन इनको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे भाई वो स्ट्रांग है ना भाई। मतलब गाइस आप देख रहे हो हमने पहली बार सारे के सारे टर्न एकदम सही चूज किए, मतलब एक भी टर्न हमारी वेस्ट नहीं हुई। गाइस फिलहाल आज की वीडियो में तो इतना ही था। और एक मिनट, अरे भाई ये क्या लग गया मेरे पैर में? अरे यार चौप ये टेंशन खाली करने गया था ये। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।